रेडी बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप सिंह, मैं डेविड इंटर कॉलेज सोसकी में सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूँ। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि क्लास टेंथ में सामाजिक विज्ञान के कुल चार खंड होते हैं। चार खंड मतलब चार पार्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। ये चार पार्ट होते हैं। इन चार पार्टों को दो खंडों में डिवाइड किया गया। अब ये दो खंड में ज्योग्राफी जो पार्ट है, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी में पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास है। तो संसाधन एवं विकास को समझने से पहले हमें जानना आवश्यक होगा कि संसाधन से हम क्या समझते हैं, संसाधन किसे कहते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि संसाधन क्या है। तो संसाधन मतलब संसाधन के अंतर्गत हम कई यहाँ पे आप लोगों को टॉपिक समझाएंगे, जैसे संसाधन का प्रकृति प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध और संसाधनों का वर्गीकरण। तो आइए शुरुआत करते हैं संसाधन। संसाधन क्या है? संसाधन मतलब संसाधन के अंतर्गत कई पहलू आते हैं। जैसे सबसे पहले यह आवश्यक है कि वह मनुष्य के आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सहायक है। इसके साथ साथ उसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध और आर्थिक रूप से संभाव्य। आर्थिक रूप से संभाव्य मतलब यह है कि हम उस संसाधन को बेचकर या किसी माध्यम से इनकम अर्जित कर सकते। और सांस्कृतिक रूप से मान्य, यानी हमारा समाज, हमारी संस्कृति उसे एक्सेप्ट करता है। जैसे उदाहरण हम आपको बताते हैं कि जैसे हम किताब को ले, किताब को बनाने से पहले हमें कागज की आवश्यकता होती है और कागज जो मिलता है पर्यावरण से मिलता है। ये पर्यावरण कागज मिल करके वो संसाधन बनेगा। संसाधन क्या करेगा? हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और उस किताब को बनाने के लिए हमारे पास क्या है? प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। और आर्थिक रूप से संभाव, यानी वो क्या है, उसे हम बेच करके उसे हम इनकम भी अर्जित कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ हमारा जो हमारी संस्कृति है, हमारे जो समाज है, उसे एक्सेप्ट करता है, यानी उसे मान नहीं करता है। हम कोई ऐसा विस्फोटक पदार्थ नहीं बना रहे हैं, हमारे वो किताब विस्फोटक रूप में नहीं है, उसे खोलने पर विस्फोट हो जाए, तो हमारा समाज, हमारी संस्कृति उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो संसाधन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि संसाधन जो है, संसाधन के कई पहलू, जैसे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक, बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभाव, यानी उसे हम इनकम भी अर्जित कर सकते, उसके अलावा वो सांस्कृतिक रूप से मान्य, यानी हमारा समाज से एक्सेप्ट करता है। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य, उसे हम संसाधन, यानी जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें, उसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, और जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, यानी वो आय का एक माध्यम भी बने और जिसे हमारा समाज से एक्सेप्ट करता है, वो संसाधन है। इसी प्रकार के विचार टाइटल नेगी कहते हैं, इसी प्रकार के विचार टाइटल नेगी का विचार है।
संसाधन मनुष्य के वातावरण का वह पहलू है, वातावरण का वह पहलू है जो मानव के इच्छाओं के पूर्ति तथा सामाजिक लक्ष्यों के प्राप्ति में सहायक है। जो मानव के इच्छाओं के पूर्ति और सामाजिक लक्ष्यों के प्राप्ति में सहायक है वो संसाधन। तो बच्चों हमें आशा है कि आप लोग संसाधन का मतलब समझ गए। जैसे कि हम एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि संसाधन क्या है। संसाधन मतलब मनुष्य के आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक है और उसे उसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध। प्रौद्योगिकी उपलब्ध मतलब कि ऐसा कोई वस्तु जो संसाधन में न बन पाए तो हमारे लिए बेकार है, वो हमारे लिए संसाधन के रूप में नहीं है, वो संसाधन के रूप में है जो हम उसका यूज कर, हम उस वस्तु का यूज कर सकते। और यूज हम तभी करेंगे जब उसे यूज करने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध। प्रौद्योगिकी उपलब्ध है तो वो संसाधन में कन्वर्ट हो और इसके साथ साथ हम उसे इनकम भी अर्जित कर सकते, यानी वो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान, यानी हमारा समाज उसे एक्सेप्ट करे तो वो संसाधन। तो ये तो बच्चों को गया संसाधन का अर्थ, यानी संसाधन जो है वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक है। अब अगले अध्ययन की ओर चलते हैं कि किस तरह प्रकृति और प्रौद्योगिकी और संस्था के मध्य आपस में कैसे अंतर संबंध है। तो इसे हम एक त्रिभुज के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहिए। जैसे कोई भी वस्तु उसे संसाधन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इन चीजों की आवश्यकता होती है, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं। हालांकि जितने भी संसाधन होते हैं वो मानव उसके केंद्र में मानव होता है, यानी मानव के केंद्र के चारों ओर के लिए जब संसाधन पाया जाता है, मुख्य उपयोगकर्ता जो होता है वो मानव ही होता है। तो संसाधन को, यानी संसाधन बनते कैसे, इसके लिए इनकी आवश्यकता होती है। तो जैसे हम पर्यावरण से कोई वस्तु लेते, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई सामान जैसे फैन हो गया या फिर हम बुक लेते हैं, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं, किताब को किताब बनाने से पहले हमें पर्यावरण से कच्चे सामग्री की आवश्यकता होगी। कच्चे सामग्री मतलब हमें कागज की आवश्यकता होगी, कागज मिलेगा पेड़ों से, तो यदि वो भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आ जाए। पर्यावरण से हम वो कच्चे सामग्री लिए, उसके बाद टेक्नोलॉजी के बाद उसे किसी संस्था में हम संसाधन के रूप में परिवर्तित करें, यानी प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं इन तीनों के आपसी सहयोग से कोई वस्तु संसाधन के रूप में परिवर्तित होता है। पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं, कोई भी वस्तु को बनाने के लिए या कोई भी उदाहरण, चाहे कुर्सी ले लीजिए, मेज ले लीजिए, फैन ले लीजिए, किताब ले लीजिए, कॉपी कलम कुछ भी ले लीजिए, वो सभी संसाधन है क्योंकि हम उसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही। उसको संसाधन बनाने के लिए हमें कच्चे सामग्री पर्यावरण से लेनी है, फिर उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है और वो किसी संस्था में बनती है, तब लास्ट में जाकर मानव को मिलती है। जैसे जीवन मैंने कहा था कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं। जीवन मैंने संसाधन होते नहीं है, मानव के सहयोग से निर्मित होते हैं। जितने भी खनिज पदार्थ, हम खनिज पदार्थ का डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते, हम अच्छा लोहा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, इस्तेमाल कब करेंगे,
जब वो टेक्नोलॉजी के द्वारा किसी संस्था में कोई उपयोगी वस्तु बन जाए तब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। यानी संसाधन के निर्माण में प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं ये आपस में इंटरलिंक होती है, ये आपस में इंटरलिंक होती है, इनके आपसी क्रिया से ही कोई भी वस्तु संसाधन में कन्वर्ट। तो हमें आशा है कि आप ये टॉपिक समझ गए होंगे कि प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य आपस में कैसे संबंध। तो जैसे हमने बताया उसी तरह से आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक। आइए अब आप लोगों को हम बताते हैं कि संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधन के कई प्रकार होते हैं और उन्हें कई आधार पर विभाजित किया जाता है। कई आधार पर, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, समानता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। तो संसाधन का विभाजन जो है कई आधारों पर है, तो सबसे पहला जो है आपका उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, जैव और अजैव संसाधन। हालांकि हम इसके विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ पर हमारा उद्देश्य आप लोगों को जानकारी देना है कि कितने भागों में संसाधन को बांटा गया है। और उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव संसाधन, समाप्यता के आधार, समाप्यता मतलब कि वो कैसे कब खत्म हो, उनका लाइफ क्या है, उनका जीवन कितना, तो उसके आधार पर संसाधन दो तरह के, एक नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। फिर उसके बाद है स्वामित्व के आधार। स्वामित्व मतलब होता है मालिकाना हक, यानी कौन सा संसाधन किसके स्वामित्व में है, वो उसका मालिक कौन है। इस आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कई भागों में बांटा गया। मुख्यतः चार हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। यानी बच्चों स्वामित्व के आधार पर संसाधन से होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। फिर है विकास के स्तर के आधार। विकास के स्तर के आधार पर यानी किन संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है, किन संसाधनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कौन से संसाधन विकास कर चुके हैं, इस आधार पर संसाधन जो है कई रूप में होते हैं। संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। तो ये तो बच्चों हो गया आपका संसाधनों का वर्गीकरण, एक सामान्य परिचय, यानी संसाधन कितने रूप में होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्तता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के। तो आइए इसमें से हम कुछ संसाधनों की चर्चा करते हैं कि जैसे उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर दो तरह के, जैव और अजैव। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जैव मतलब सजीव, अजैव मतलब निर्जीव। बच्चों आप लोग अपने पर्यावरण में ऐसे बहुत से संसाधन देखते होंगे जो दो तरह के होते हैं, एक वे होते हैं जो जीवधारी होते हैं और एक वो होते हैं जो निर्जीव होते हैं। आप हम समझ गए होंगे कि वे संसाधन जो सजीव हैं, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीव जंतु,
मनुष्य ये सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आ जाए और अजैव संसाधन के अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जो निर्जीव होते हैं। निर्जीव मतलब कि वे जीवधारी नहीं होते, जैसे पर्वत, पहाड़, मैदान, जल, ये सभी क्या है? निर्जीव। हम इन्हें अजैव संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। तो आप लोग अच्छे समझ गए होंगे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो तरह के होते हैं, एक जैव संसाधन होता है जो जीवधारी होते हैं और एक अजैव संसाधन होता है जो निर्जीव होते हैं। जैव संसाधन के अंतर्गत जो भी संसाधन हमें प्राप्त होते हैं वे अधिकांश रूप में हमें जैव मंडल से ही प्राप्त होते हैं। जैव मंडल मतलब कि पृथ्वी का वह भाग जहां जीवधारी निवास करते हैं। फिर उसके बाद समाप्तता के आधार पर यानी कौन सा संसाधन कितने समय तक चलेगा, वो कब खत्म होगा, इस आधार पर हम दो तरह के संसाधन को लेते हैं, एक नवीकरण और एक अनवीकरण। नवीकरण और अनवीकरण। नवीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि ये संसाधन खत्म होने वाले हैं, यानी जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक ये संसाधन आपको मिलते हैं और इन संसाधन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन संसाधनों के प्रयोग से हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। जैसा कि बच्चों आप लोग भी जानते होंगे कि हमारी सरकार जो है इस पर ज्यादा ध्यान दे रही है, नवीकरण योग्य संसाधन, क्योंकि ये संसाधन न खत्म होने वाले हैं और इन संसाधनों के प्रयोग से हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। आप जैसे कुछ लोग जानते भी होंगे इन संसाधनों की संसाधन के अंतर्गत कौन कौन से संसाधन आते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इत्यादि ऐसे संसाधन हैं जो नवीकरण योग्य संसाधन के अंतर्गत आए जिनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, ये खत्म होने वाले संसाधन नहीं होते। ये खत्म होने वाले संसाधन नहीं होते। जब भी जो अनवीकरण योग्य संसाधन होते हैं, अनवीकरण योग्य संसाधन को हम लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इन संसाधनों में कुछ ऐसे संसाधन हैं कि जिनके प्रयोग से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, कोयला, पेट्रोल, जैसे जीवाश्म ईंधन, ये अनवीकरण योग्य संसाधन। अनवीकरण योग्य संसाधन मतलब कि हम इनका एक बार प्रयोग कर लिए तो इनका दोबारा मिलना असंभव है, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो आप लोग बच्चों समझ गए होंगे कि समाप्तता के आधार पर दो तरह के संसाधन होते हैं, नवीकरण और अनवीकरण। नवीकरण मतलब जिनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, अनवीकरण मतलब कि हम जिनका लंबे समय तक प्रयोग नहीं कर सकते। इनके प्रयोग से हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है, लेकिन इनके प्रयोग से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो अभी हमने दो आधारों पर संसाधनों का वर्गीकरण देखा, उत्पत्ति के आधार पर और समाप्तता के आधार पर। फिर आइए बताते हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने तरह के। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को हम चार भाग में बांटते हैं। चार भाग में मतलब व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और
अंतरराष्ट्रीय संसाधन। नाम एक बार पुनः, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब जैसे नाम से स्पष्ट है व्यक्तिगत संसाधन यानी आपका पर्सनल वह संसाधन यानी वह उपयोगी वस्तु जिसके मालिक आप स्वयं, यानी वो आपके अधीन आपके कब्जे में, आप उसके मालिक हैं। जैसे आपके यहाँ आपके पास गाड़ी होती, आपकी जमीन, आपका मकान, आपके जितने भी निजी संपत्ति हैं वो आपका व्यक्तिगत संसाधन। हालांकि इस पर किसी अन्य का अधिकार नहीं होता है, लेकिन हाँ सरकार देश हित में आपकी संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है, लेकिन उचित मुआवजा देकर। उचित मुआवजा देकर ही सरकार आपकी व्यक्तिगत संसाधन को अधिग्रहित कर सकती है। ये तो हो गया व्यक्तिगत संसाधन यानी जो आपके अधीन है, इसके मालिक आप स्वयं हैं। फिर होता है सामुदायिक संसाधन। जैसा समुदाय यानी उस संसाधन पर आपका व्यक्तिगत अधिकार नहीं, आपका व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, बल्कि पूरे समाज यानी पूरे गांव का, पूरे समुदाय का उस पर समान अधिकार। जैसे बच्चों आप लोग जानते हैं कि गांव में गांव का तालाब होता है, गांव में खेल का मैदान होता है, उसमें और इसके साथ साथ श्मशान घाट, ये सभी जो है पूरे समुदाय का समान अधिकार होता है। इन सब पर पूरे समुदाय का समान अधिकार होता है, वो आपका कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं। तो यानी ऐसे संसाधन जिन पर समुदाय के सभी सदस्यों का समान अधिकार हो वो सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आसान। यानी हम सामुदायिक संसाधन उस संसाधन को कहेंगे जिस पर समुदाय के सभी सदस्यों का समान अधिकार है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन मतलब कि जैसे भारत के राष्ट्रीय संसाधन कौन सा, यानी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, भारत में जितने भी संसाधन हैं वो संसाधन राष्ट्रीय संसाधन, वो संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, उस पर राष्ट्र का अधिकार है। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे खनिज पदार्थ, वो देश के अंदर मिलने वाले खनिज पदार्थ राष्ट्रीय संसाधन है। इसके अलावा समुद्र तटीय क्षेत्र, समुद्र तटीय क्षेत्र यानी 200 नॉटिकल मील के अंदर का जो तटीय क्षेत्र वो राष्ट्रीय संसाधन के अंदर, यानी उस तटीय क्षेत्र के अंदर यानी उस समुद्री क्षेत्र के अंदर, उस समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी संसाधन है, चाहे वो मछलियां हो, चाहे वो खनिज तेल हो या गैस हो, जो भी है 200 नॉटिकल मील के अंदर पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अभी मैंने बताया था कि आपके व्यक्तिगत संसाधन को भी सरकार राष्ट्र हित में जनता की भलाई की दृष्टि आपके व्यक्तिगत संसाधन को अधिग्रहित कर सकते। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय यानी इसमें किसी एक देश का अधिकार न होकर कई देशों का अधिकार, कई देशों का अधिकार मतलब जैसे वह क्षेत्र वह संसाधन जिस पर सभी देशों का अधिकार, जैसे 200 नॉटिकल मील के बाहर का जो समुद्री क्षेत्र है उस पर सभी देशों का अधिकार हो, जैसे हम कुछ सागर कहते हैं,
उस पर सभी देशों का अधिकार। इसके अलावा अंतरिक्ष क्षेत्र, अंतरिक्ष क्षेत्र में सभी देशों की सरकार क्या करती है, अपने सैटेलाइट भेजती है। आंतरिक क्षेत्र में क्या है, अंतरराष्ट्रीय संसद। उस आंतरिक क्षेत्र में किसी एक देश की संप्रभुता नहीं, उस पर सभी देशों का अधिकार। फिर उसके अंटार्कटिका क्षेत्र, जिसमें कई देशों के वैज्ञानिक वहां जाते रिसर्च करते हैं, अपना क्षेत्र स्थापित करते हैं। ऐसे क्षेत्र, हाँ, इन क्षेत्रों के नियमन नियंत्रण के लिए, निर्देशन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है कि जिन संसाधनों पर, जिन क्षेत्रों पर सभी देशों का समान अधिकार, यानी किसी एक राष्ट्र का अधिकार न, वो संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। फिर आपका लास्ट में है विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन क्या है, कई तरह के होते हैं। संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। हालांकि बच्चों इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ये संभावित संसाधन क्या है, विकसित संसाधन क्या है, भंडार क्या है और संचित कोष क्या है। तो बाकी उत्पत्ति के आधार पर, जहां तक मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो भागों में है, दोनों के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। समाप्तता के आधार पर दो भागों में है, नवीकरण और अनवीकरण, इनके बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जितने भी संसाधन है, वो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए।